अहंकार शब्द आप सब जानते हैं कि कुछ लोग, कुछ क्या, 99% लोग, किसी को धन के ऊपर अहंकार है, किसी को जीवन के ऊपर अहंकार है, किसी को परिवार के ऊपर अहंकार है, किसी को घर के ऊपर अहंकार है, किसी को अपनी ताकत का अहंकार है, किसी को पढ़ाई का अहंकार है, किसी को अपने वंश का अहंकार है, किसी को अपने देश का अहंकार है, किसी को अपने पुरुष होने का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को धर्म का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को भक्ति का अहंकार है। मतलब ये संसार है ना, अहंकार से भरा पड़ा है। सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को निकृष्ट समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, सामने वाला कुछ नहीं। ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि किसी को कुछ छोटा सा भी शब्द बोल दो, इतनी ईगो हार्ट होती है कि जान लेने के ऊपर आते हैं और जान देने के ऊपर आते हैं, कि फिर ये नहीं सोचते क्या होगा क्या नहीं होगा, मरेंगे मारेंगे। ये क्या हालात हो गए हैं, किस कारण से? एक ईगो के कारण से, एक हां और ना की लड़ाई, एक तू और तेरा, मैं और मेरा की लड़ाई। कितना भयंकर परिणाम होता है इन चीजों का। जितने भी युद्ध हुए आज तक, जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितने भी विनाश हुए इस धरती के ऊपर, बड़े बड़े किसी भी युद्ध क्षेत्र में देख लो आप, कारण क्या रहे? बस अहंकार की लड़ाई रही, और ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। जब तक सब लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, केवल मैं समझ लूं तो केवल मैं ही सुधरूंगा, समाज नहीं सुधरेगा, लोग नहीं सुधरेंगे। जब तक सब लोग नहीं समझेंगे, एक आजकल बात बहुत गहराई से कि तुम्हारी क्या औकात है, बात बात के ऊपर बोल देते हैं। वो ये नहीं देखते क्या है क्या नहीं है सामने वाला। अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी है, उनके पास छोटी है, अगर उनके हमारे पास 2-4 लाख रुपए ज्यादा है, उनके पास कम है, अगर उनके पास कुछ ज्यादा है, उनके पास कम है, अगर बस इसी बात के ऊपर कि तुम्हारी क्या औकात है, ना इंसानियत देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना प्रेम देखते हैं, न भाईचारा देखते हैं, न यारी दोस्ती देखते हैं, कुछ नहीं। सामने घर में रहते हुए पत्नी पति को बोल देती है, तुम्हारी क्या औकात है, मैं तो वैसे ही आ गई तुम्हारे घर में, तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो। वो उसको बोल देता है, अरे मैं तो वैसे ही ले आया, तुम्हारी क्या औकात थी हमारे घर इतने बड़े खानदान में आने की। ये हर घर की कहानी है और हर समाज की कहानी है, हर लोगों की कहानी है। जिन्होंने इंसान का रूप धारण कर लिया, सबकी यही हालात है। ये ऐसे नहीं छूटेगी कि पकड़ करके छुटा दे और छूट जाए, बोल करके बता दे और समझ में आ जाए, छूट जाए, नहीं छूटेगी ये अहंकार भाव। अगर ये प्रेम में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक प्रेम इसका तोड़ने का जो क्रियात्मक रूप है ना, अहंकार, अहंकार प्रेम के बिना नहीं टूटेगा। कितना भी आप जोर लगा लो, कितनी भी आप कोशिश कर लो, कितने भी आप प्रयास कर लो, इसे तोड़ने के, रोकने के, बांधने के नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उस जीव के अंदर प्रेम पैदा हो जाए, क्योंकि प्रेम में लेना कुछ नहीं होता, प्रेम में देना ही होता है, प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में अपने आप को मिटा देना होता है, प्रेम में भावना होती है, प्रेम में अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वहां सब कुछ, कुछ नहीं बचता शेष, बस केवल प्रेम ही प्रेम रह जाता है।
बिना प्रेम के कोई ये कहे कि मैं योग के द्वारा, मैं भक्ति के द्वारा, मैं नाम के द्वारा, मैं सुमरण के द्वारा इस अहंकार को मिटा दूंगा, वो बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि अगर आप उस रास्ते के ऊपर चल करके सोचते हो मिटा दोगे, वहाँ और ज़्यादा अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैंने तो 14 साल तक तपस्या की, मैंने तो 20 साल तक तपस्या की, मैंने तो इतने वर्षों तक व्रत किए, मैंने तो इतना ये किया, मैंने वो दान किया, मैं तो सब कुछ छोड़ करके आ गया। फिर वही चीज़ें वही जा करके वहीं खड़ी हो जाएंगी। तो प्रेम के बिना अहंकार टूट ही नहीं सकता। तो आप हृदय में प्रेम को स्थान दें, प्रेम को स्थापित करें और प्रेम को बीज रूप में जब आप स्वीकार करके, तो फिर वो जब वृक्ष बन जाएगा, अहंकार की जड़ों को हिला देगा। अहंकार जब प्रेम के आंसू गिरते हैं ना, अहंकार आसपास भी नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। तो आप प्रेम को पैदा करें और प्रेम के बिना अहंकार का नाश बिल्कुल असंभव है।